गांधीनगर गान्धीनगरे माता हीराबेन को शेषकृत्य सम्पन्न गरि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भर्चुअल जरिया पश्चिमबङले बन्दे भारत एक्सप्रेस चलाचर चला शुभारम्भ गर्न सहित केतेक उन्नयनमूलक कार्यन्यास कर गरि करेन्सिङ माध्यमले प्रधानमन्त्री पश्चिमबङ र हावड्नु नुवा जलपाइगढीको संयो गर् बन्दे भारत एक्सप्रेस र चलाच पश्चिम गरिमगर मुख्यमंत्री ममता बानर्जी केन्द्र रेवन्त अश्विनी वैष्णव अन्य नेतृत्ववृन्द हाउडा आयोजित कार्यक्रम उपस्थित रहे थे आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं इसके लिए मैं आपकी बंगाल की क्षमा चाहता हूं बंगाल की पुण्य धरती को कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई आज तीस दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है तीस दिसंबर, 1943, फोर्टी उन्नीस सौ तिरालीस उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूका था इस घटना के 75 वर्ष होने पर साल 2018 में मैं अंडमान गया था नेताजी के नाम पर एक द्वीप का नामकरण भी किया था और अब इस समय देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है अमृत महोत्सव मना रहा है इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है करीब पांच हजार करोड़ रुपए की लागत से जोका बीबीडी बाग मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है इसमें से जोका तरालता मेट्रो रूट बनकर तैयार हो गया है इससे शहर के लोगों की ईज ऑफ लिविंग और बढ़ेगी